नमस्कार, आप देख रहे हैं इवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। भारत और चीन सैन्य स्तर के बीच बैठक में शांति से विवाद सुलझाने पर तैयार हुआ चीन। बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, बातचीत शांतिपूर्ण और गर्मजोशी के माहौल में हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने और हालात का हल निकालने के लिए दोनों पक्ष सैन्य और कूटनीतिक तौर पर जुड़े रहेंगे। कोरोना से पस्त इकोनॉमी को रफ्तार देने की तैयारी, चीन लोगों को बांट रहा है अरबों के कूपन। बीजिंग की ई कॉमर्स कंपनी JD.com में शनिवार से कूपन मिलने शुरू हुए। ये कवायद अक्टूबर तक चलेगी, जब चीन अपना राष्ट्रीय अवकाश मनाता है। इसके अलावा खपत बढ़ाने के लिए लगभग 400 कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। कनाडा की संसद में उठा ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुद्दा। भारतीय मूल की सांसद रूवी सहोता ने कहा, ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख इतिहास का सबसे काला समय। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को अलगवादियों से खाली कराने के लिए 1984 में चलाया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमेरिकी महिला सिंधिया डॉन रिची के दावे से पाकिस्तान की राजनीति में आया भूचाल। सिंधिया ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का लगाया आरोप, तो पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी पर यौन हिंसा का आरोप। दोनों नेताओं ने आरोपों को बताया निराधार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। रेबन गांव में छुपे हैं कई आतंकी, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार, संक्रमित मरीजों की संख्या 69 लाख के पार। तो अब तक 4 लाख से अधिक मरीजों की हुई मौत, तो 34 लाख 11 हजार से ज्यादा मरीज हुए थे। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या पहुंची 2,46,000 के पार। तो 6,929 मरीजों की हुई मौत, महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। भारत बना कोरोना महामारी से प्रभावित दुनिया का पांचवा देश। 24 घंटे में 9,971 मरीज आए सामने, तो रिकॉर्ड 287 मरीजों ने गवाई जान। केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार किया मेगा प्लान। केंद्र सरकार ने की देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। इस मेगा प्लान के तहत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका होगा तैयार। सरकार इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाएगी। कोरोना का राज्यों में पीक पर आना बाकी, 10 से 12 शहरों में कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण फैलाव पर जताई चिंता। कहा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसफर पर एम्स के डायरेक्टर ने कहा, दिल्ली मुंबई हॉटस्पॉट। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राइवेट अस्पताल में दिल्ली के निवासियों का ही होगा इलाज। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया फैसला, हालांकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में होगा सभी का इलाज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धमकी पर भड़की दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। कहा, डॉक्टर्स को चेतावनी और हॉस्पिटलों को धमकाना ठीक नहीं। सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ FIR को बताया गलत। केजरीवाल ने कहा, कोरोना संदिग्ध मरीज को लेने नहीं कर सकते। दिल्ली में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हुए कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग में स्पेशल ड्यूटी पर थे तैनात। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के CEO तौर पर भी हैं कार्यरत। हाल ही के दिनों में कई बैठकों में भी ले चुके हैं। राजस्थान में रविवार को 48 नए मरीज आए सामने, मरीजों की संख्या हुई 10,385, तो अब तक 234 मरीजों ने दवाई जान। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जारी, वायरस को रोकने के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति का भी लिया जा रहा सहारा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े और दवाइयों का हुआ वितरण। जयपुर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, रामगंज सुभाष चौक चौमू और सेज थाना इलाके में लगा आंशिक कर्फ्यू। 1 किलोमीटर के दायरे को किया सील, वहीं महामारी एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर हुई कार्रवाई। राज्य सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन 5 में छूट का दायरा, कल से प्रदेश में सशर्त खुलेंगे होटल रेस्टोरेंट क्लब और शॉपिंग मॉल्स। गृह विभाग ने जारी किया आदेश, तो वहीं इनके संचालकों ने जताया राज्य सरकार का आभार। टोंक में नहीं थम रहे कोरोना संक्रमण के मामले, आज निवाई के झुलाए गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया सामने। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 170। दिल्ली आने वालों के लिए अब राहत की खबर, 7 दिन बाद कल फिर से खुलेगा दिल्ली बॉर्डर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा, यूपी हरियाणा और दिल्ली के लोगों को मिलेगी सहूलियत।
80 दिन बाद खुली हवा में दौड़ी नेहा धूपिया, सोशल मीडिया पर शेयर किया एक्सपीरियंस। एक्सप्रेस ने कहा, आज 80 दिनों बाद सुबह रनिंग पर गई, आजादी के साथ हुआ डर का अनुभव। लोगों के निशाने पर आए टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह, युजवेंद्र चहल के साथ खिलाफ जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का मामला, युवराज सिंह के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज, तो वहीं युवराज ने मांगी मामले में माफी। श्रमिकों की मदद करने को लेकर सोनू सूद पर भड़की शिवसेना, संजय राउत ने कहा लॉकडाउन के दौरान अचानक तैयार हो गया सोनू सूद नाम का एक महात्मा, तो वहीं बीजेपी ने राउत का बयान बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज, अमित शाह की डिजिटल रैली को लेकर बिहार में पोस्टर वॉर, जेडीयू ने लालू के जरिए पलटवार। अमित शाह की डिजिटल रैली का विरोध, बिहार में जदयू ने चलाया थाली पीटो अभियान, पटना स्थित आवास पर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने भी पीटी थाली, बिहार और केंद्र सरकार पर साधा निशान। मुंबई में गैस लीक की खबर से मचा हड़कंप, चैंबूर और घाटकोपर सहित कई इलाकों में मचा हड़कंप, बीएमसी की टीम ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश के शाजापुर निजी अस्पताल की मनमानी, बिल नहीं चुकाने पर मरीज को बनाया बंधक, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की तबीयत में सुधार, मेघवाल की बेटी ने दी जानकारी, मंत्री मेघवाल का हटा वेंटिलेटर, अब सामान्य वार्ड में रहेंगे मेघवाल, अभी कुछ दिन और रहना होगा अस्पताल। भिलवाड़ा के बिजौलिया में पुलिस की कार्रवाई, गश्त के दौरान हथकड़ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 10,000 के नामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार तो बदमाश का एक साथी फरार। यूपी के मेरठ में सिपाही की गोली मारकर आत्महत्या, दोराला थाना क्षेत्र के सकौती पुलिस चौकी में तैनात था सिपाही हीरालाल, पारिवारिक कलेश बताया जा रहा है आत्महत्या का कारण, मामले की जांच जारी। यूपी के मिर्जापुर में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, लाठी भाटा जंग में चार लोग हुए घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस, अहरोरा थाना क्षेत्र के बेलखरा गांव का पूरा मामला। यूपी के पीलीभीत में दर्दनाक हादसा, पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, तो वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, गुजरात के 19 कांग्रेसी विधायकों को लाया गया राजस्थान, आबू रोड के एक रिजॉर्ट में ठहराए गए सभी विधायक। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश धाकड़ घूस लेते गिरफ्तार, मेडिकल संचालक रमेश तेली से 5,000 की घूस लेते गिरफ्तार हुए, ऑपरेशन कराने की एवज में मांगी थी 20,000 की घूस। डूंगरपुर के वाडा घोड़िया गांव में दर्दनाक हादसा, मिट्टी रहने से नीचे दबे चार मजदूर, हादसे में एक मजदूर की हुई मौत, एक लापता दो मजदूरों को निकाला सुरक्षित बाहर, प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जयपुर के हरमाड़ा में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या, घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट, एक दंपत्ति पर ब्लैकमेल करने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर के बानसूर में 400 होम्योपैथिक किट का किया गया वितरण, होलावास गांव में सरपंच सत्यपाल चौधरी ने किया वितरण, कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक। चूरू के तारानगर में मादक पदार्थ तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, अवैध गांजा परिवहन करते एक युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी से 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद। तनाव को दूर करने के लिए योग का सहारा, अजमेर पुलिस लाइन में योग शिविर का आयोजन, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई आला अधिकारियों ने किया योग। भीलवाड़ा के बिजौलिया में अवैध खनन जारी, खनिज विभाग ने की अवैध खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ का पंचनामा बनाकर कराया मामला दर्ज। मुख्यमंत्री आवास पर हुई वित्त विभाग की अहम बैठक, रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर हुआ मंथन, सीएम गहलोत ने खर्चों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश, बैठक में एसीएस फाइनेंस निरंजन आर्य, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। राज्य सरकार ने होमगार्ड में नफरी बढ़ाने के लिए नई भर्ती को दी मंजूरी, प्रदेश के विभिन्न शहरों में करीब 2500 होमगार्ड की भर्ती निकाली, 10 जून से 9 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। अजमेर में सिविल लाइन थाना पुलिस की कार्रवाई, 125 ग्राम चरस के साथ दो युवक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जालौर के आहौर में अधेड़ ने की पत्नी की निर्मम हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भी किया सुसाइड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाइडलाइन के अनुसार आगरा आरटीओ में शुरू हुआ कामकाज, आमजन के लिए लगाई ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन, मास्क और ग्लव्स का भी
जरूरी वितरण। यूपी के कड़ाधाम शक्तिपीठ में खुली बैठक का आयोजन, इस बार नहीं लगेगा ऐतिहासिक आसाद का मेला, कोरोना के कारण सर्वसम्मति से लिया फैसला। बारां के शहाबाद में बारिश ने दी दस्तक, किसानों के सामने खड़ी हुई कई दिक्कतें, तो वहीं घरों की साल संभाल करने में जुटे ग्रामीण। बूंदी के डिविजनल कमिश्नर ने नरेगा कार्य और एफसीआई खरीद केंद्रों का किया निरीक्षण, श्रमिकों से भुगतान के बारे में की चर्चा, खरीद केंद्र पर माल उठाव की समस्याओं के निराकरण के लिए आदेश। सीकर के दातारामगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के खिलाफ प्रशासन ने लिया एक्शन, ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के मामले में हुई कार्रवाई, महामारी एक्ट के तहत आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।